नमस्कार, मैं अलविया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24x7। हमारे संवाददाता अमरनाथ पांडे की रिपोर्ट कतरास से। दुर्गा पूजा को लेकर कतरास थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न। रविवार को कतरास थाना परिसर में बागमारा अंचल अधिकारी कमल किशोर सिंह की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा समिति के अधिकारियों व समाज सेवियों के साथ एक शांति समिति की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए अंचलाधिकारी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूजा का आयोजन करें। उन्होंने कहा कि पूजा का आयोजन भी वही लोग करेंगे जिन्होंने कोरोना का वैक्सीनेशन करवा लिया है। साथ ही पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की अनावश्यक भीड़ न लगे। पंडालों की ऊंचाई 11 फीट से अधिक न हो और न ही मूर्ति की ऊंचाई 5 फीट से अधिक हो। पूजा कमेटी द्वारा किसी प्रकार की कोई आमंत्रण पत्र नहीं दिया जाए। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर में ही पूजा करने की कोशिश करें तथा किसी भी प्रकार से भीड़ भाड़ अधिक न हो पाए, इसका भी ध्यान रखा जाए। वहीं बैठक में पूजा कमेटी के सदस्य ने भी बिजली, पानी, ट्रैफिक व सब्जी मंडी को 10 दिनों के लिए कहीं और स्थानांतरित करने संबंधी परेशानियों से प्रशासन को अवगत कराया। प्रशासन ने भी सभी परेशानियों को दूर करने की बात कही। मौके पर रानी बाजार पूजा समिति के सचिव मानसिन, दानसिन, मंजर आलम मोहम्मद, अफसर उर्फ छोटू मासूम खान, राजेश स्वर्णकार हरि अग्रवाल, रामबचन पासवान, नगर निगम वार्ड 5 के सुपरवाइजर संजीत कुमार, बलबीर सिंह, प्रिंस शर्मा सहित पूजा कमेटी के दर्जनों सदस्य गण मौजूद थे। यह बैठक आज कतरास थाना प्रांगण में रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता हमारे अंचलाधिकारी महोदय किए, जिसमें प्रखंड प्रमुख बघमारा बुढ़िया रानी उपस्थित थी एवं सभी पंडालों के सदस्य एवं अध्यक्ष लोग आए थे एवं शांति समिति के सदस्य और गणमान्य व्यक्ति सभी उपस्थित थे। इसमें कोरोना का देखते हुए सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के अनुसार पूजा करने का सभी लोग ने सहमति जताया। इसमें जो है पंडाल नहीं बनेगा, बल्कि जो मूर्ति 5 फीट रहेगा और तोरण द्वार भी नहीं बनेगा और कोविड को देखते हुए जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा दिया गया उसका पालन किया जाएगा। इसमें कुछ समस्याएं पुलिस से भी संबंधित था, उसको रखे हैं लोग, जैसे गया पुल जाम की बात बताया गया है, हम लोग उस पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। रात्रि में पेट्रोलिंग में 2 बजे रात्रि में, 11 बजे, 8 बजे, दिन में लगातार हम सघन पेट्रोलिंग चलवा रहे हैं और टाइगर मोबाइल भी पेट्रोलिंग में है, उस पर हमको ध्यान है। मन चले युवकों पर खास करके त्यौहार में हम लोग विशेष निगरानी रखेंगे। इसके लिए महिला आरक्षी का भी प्रतिनियुक्ति किया जाएगा, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया है और इसके लिए रिक्वेस्ट मांगा गया है। हम निगरानी रख रहे हैं एवं नागरिकों से मैं आग्रह करता हूं कि इस दशहरा पर्व को शांतिपूर्वक मनाने में पुलिस को सहयोग करें तथा सामाजिक तत्वों पर नज़र रखें और किसी भी तरह का कोई घटना होता है तो इसकी सूचना पुलिस को अवश्य दें और गोपनीय सूचना भी दें। शांति समिति कतरास का ट्रैफिक के लिए हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण काफ़ी गंभीर हैं, इस पर हम लोग जल्द अमल करेंगे और टेम्पू को वन साइडेड जो आ रहा है उसको वन साइडेड एक जगह कहीं रोकेंगे और दूसरे जगह जाने वाला का दूसरी जगह उसका पार्किंग स्थल बनाया जाएगा, खास करके त्यौहार को लेकर। सर, बैठक में जो समस्याएं हैं उस पर क्या विचार हो? उस पर विचार किया जा रहा है और हम लोग इस पर लगातार काम कर रहे हैं। जैसे जाम की समस्या पर हुआ, हम उस पर पुलिस काम कर रही है एवं पानी बिजली का समस्या के लिए हमारे अंचलाधिकारी महोदय बोले कि इस पर विचार कर रहे हैं और डीसी साहब से मैं केंद्रीय समिति की बैठक में इस पर बात रखूंगा। धन्यवाद। दुर्गा पूजा को लेकर के जो भी गाइडलाइन जारी किया गया है उसको शांति समिति की बैठक में सारे प्रबुद्ध शांति समिति सदस्यों को हम लोगों ने बता दिया है और सभी से यह अनुरोध किया गया है कि उसका पालन करते हुए ही दुर्गा पूजा सद्भाव के साथ। जिला प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था? जिला प्रशासन इसके लिए हमेशा तत्पर है और हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हो इन 10 दिनों के दौरान, खासकर सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दौरान जो है काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, तो हम लोगों का प्रयास होगा कि भीड़ कंट्रोल में रहे। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कम से कम लोग पंडाल में आए, घरों में लोग पूजा का आनंद लें और
जो भी गाइडलाइन है, जैसे बैरिकेडिंग के बाहर से ही श्रद्धालु आकर के दर्शन कर सकते हैं, दर्शन पर रोक नहीं है, भीड़ करने पर रोक है, मेला लगाने पर रोक है, स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट लगाने पर रोक है, तोरण द्वार वगैरह लगाने पर रोक है, तो उसका पालन करते हुए आराम से बैठक में जो जो समस्याएं हैं सर, बिजली पानी का मुद्दा छाया रहा है, खासतौर पर बिजली पानी, साफ सफाई और जाम को लेकर, उसके लिए संबंधित अधिकारियों से मैं बात करूंगा और यथासंभव मेरा प्रयास होगा कि सभी समस्याओं का पूजा से पहले निराकरण कर लिया जाए। थैंक यू।